वाली पड़ जाएगी, वाली पड़ेगी। लॉक नहीं खोल पा रही है बेचारी। देखो आज का पूरा दिन शूट। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज राघव ठाकुर। तो स्वागत है आप सबका एक बार और मेरे नए ब्लॉग में। देखो पहाड़ वहाड़ दिखाता हूँ मैं सबसे पहले आपको। देखो सुबह सुबह मॉर्निंग में ये है हमारा शूट लोकेशन और मेरे साथ है पुनीत दादा। पुनीत दादा पुनीत दादा बन गया कब से। तो मेरे साथ है पुनीत सुपरस्टार। हाँ, वो वाला सुपरस्टार नहीं यार, मैं नीचे वाला ही। अरे नहीं, उसे ऊपर वाला यार, किसी के नीचे कोई नहीं होता। सो आज हमारा है बहुत बढ़िया सा शूट लोकेशन। देख रहे हो आसपास के लोकेशन मैंने आपको दिखाए। देखो पहाड़ वहाड़, देखो ये देखो ये देखो, इस साइड नहीं है। अच्छा इस साइड बिल्डिंग बिल्डिंग है, इस साइड पहाड़ है और कच्चे कच्चे रोड है, कच्चे कच्चे रास्ते हैं। देखो अभी पहुंचे नहीं है, अभी पहुंचे नहीं है। अभी पहुंच रहे हैं लोकेशन पे, उसके बाद आपको पूरा दिखाते हैं। उसके बाद आगे शूट का कैसा माहौल रहने वाला है वो दिखाते हैं आपको। फिलहाल बारिश हुई है तो रोड गीले गीले हैं, रोड में गड्ढे हैं, गड्ढों में रोड है। सो गाइस लोकेशन देख रहे हो कि देखो बाहर का क्या माहौल है, क्या नेचर दिखाई दे रहा है। पेड़ पौधे हरे हरे, बारिश हुई है, सब धुल चुके हैं और रोड पे गड्ढे हैं, गड्ढों में रोड है। उसी में से हमारी गाड़ियाँ जुप जुप करके निकल रही है, जुप 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 करके। और अभी हम जा रहे हैं अपने शूट लोकेशन पे। कितना टाइम दिखा रहे हैं दादा? 10 मिनट। बस 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर वहां पे होगी फुल मस्ती, फुल धमाल। तुम्हारा भाई चिल करे हैं। चिल करे हैं क्या है फुल डायलॉग क्या है क्या है क्या है डायलॉग? अरे हाँ चिल करे हैं, चिल करे क्योंकि हमारा दिल करे है। यस है ना, लाइन मैच कर गई मैच कर गई। वो थोड़ी वो अलग बात है, थोड़ी देर बाद याद आई है, थोड़ी देर बाद याद आई है, लेकिन याद आ गई है। चिल करे हैं क्योंकि हमारा दिल करे है। नींद से जग के सुबह सुबह 4 बजे उसके बाद तैयार होना। मैं तो नींद में ही तैयार हुआ, ये तो नींद में तैयार हुआ, इसलिए तो उठता ही नहीं आज। आज मैंने इसको उठाया ही नहीं, मैंने कहा इसको सोने देता हूँ, ये बाद में जब आएगा ना अकेले तो इसको पता लगेगा, इसलिए मैंने इसको उठाया नहीं, मैंने कहा सोने दो। मगर मैं यही फिर मैंने सोचा कि यार चलो उठा ही देता हूँ, बेचारा बेकार में परेशान होगा। और ये परेशान नहीं होगा, ये आराम ही आज ही सो जाएगा, मुझे मालूम है। नींद पूरी करके 10-12 बजे में उठेगा, मैंने कहा उठा ही देता हूँ इसको, नींद खराब करता हूँ मेरी अकेले की क्यों खराब हो। चलो सीधा लोकेशन पे मिलते हैं, अब सीधा लोकेशन पे मिलते हैं क्योंकि रास्ते में कुछ है नहीं ऐसा दिखाने लगे। ये सब क्या दिखा रहा है? ये देखो रोड, देखो कितनी देर में फोन, किसका फोन आ गया? देख डायरेक्ट अंदर भी चला गया। अरे बाप रे, देखने गया था विंध्या मैम आया कि नहीं, विंध्या मैम आया कि नहीं आया, मतलब इधर हम खड़े हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। गद्दारी यही होता है यार। ये स्कूटी चला रही थी, मौत के मुंह से निकल के आ गया मैं। मार देती है, इसकी गलती नहीं है इसमें कोई, जो रोड पे जितने लोग चल रहे हैं ना उनकी गलती है। वो क्यों चल रहे हैं, जो बस ट्रक जो भी चल रहा है ना उनकी कोई गलती नहीं, मतलब इसकी कोई गलती नहीं है, सब उनकी गलती है। क्या ये भी मेरी गलती है? नहीं भाई मेरी गलती नहीं, नहीं, मेरी गलती नहीं, है नहीं, नहीं, नहीं। और तो और ये जो बीच में जो खंबा है ना, इस खंबे की भी कोई मतलब इसकी गलती नहीं है, खंबे की गलती है जो ये बीच में आया है ना। ब्रेक कैसे मारी थी? अरे ब्रेक ऐसे ऐसे मार रही थी, सब हिल रहा था अंदर अंदर तक, सब हिल गया भाई साहब। वहाँ वहाँ तक हिल गया था। ब्रेक किससे मार रहे थे? पैरों से या तुम्हें नहीं पता ब्रेक कैसे मारी जाती है? ब्रेक पैरों से मारी जाती है। गाड़ी को यही नहीं पता, इसको यही नहीं पता इसके पीछे कोई बैठा था, इसने बोला घुमाना है उतर जा, मैं उतर गया, भाग गई। कैमरा अपना आगे चल रहा था, फ्रेम में नहीं था।
इसकी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? गलती है रोड की जो घूम रहा है, गलती है स्कूटी की, पीछे वाले बैठने की, पीछे वाले बंदे की जो बैठा पूरी सेफ्टी लगा रखी है बिल्डिंग की। बिल्डिंग सामने क्यों है बताओ? मेरा माइक हो गया। कुछ पूछ रहे हैं? आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं है, लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग कार्ड। ये वीडियो आगे तक पहुंचाइए, इन्हें चलाने के घर पर पहुंचवाया जाए। टीके टू में मैं ही आऊंगी। अच्छा, दोनों। और आपको कैसा लगा पीछे बैठ? बस मौत के मुंह से बाहर आए हम आज तो, जिंदा बच गए, ये बहुत बड़ी बात है। पचा ले, वादा करते हैं 500 किलो बूंदी के लड्डू चढ़ाएंगे। अरे ये क्या था रे, क्या लगा था? स्कूटी का डंडा पकड़ रखा था मैंने, उसका कलर उतर के मेरे हाथ पे लग गया। कि मैंने पीछे पकड़ा डंडा, उसका रंग उतर गया स्कूटी का डंडे का, पीछे पकड़ के बैठा था मैं, इतनी तेज पकड़ा था कि इसका कलर उतर गया। डर तो लगेगा ही, ये चलाएगी तो सपोर्ट के लिए आया था, कैच करते आप मेरी गिरे हुए। तो देना चाहिए था चलाने के लिए उसको स्कूटी दे दी। वो ट्रैक्टर भी चलाती है हमारे सुनने में आया। इसकी गलती नहीं है कोई, देखो चलाया उसे, इसकी कोई गलती नहीं है, इस बिल्डिंग की गलती जो बीच में है ये तो नहीं है, उस गाड़ी वाले की गलती है जो सामने से आ रहा था। मेरा ये कंधा दुख गया चला रहा। तो लंच हो चुका है और उसके बाद फिर हम थोड़ा फ्रेश हो गए हैं। फ्रेश होने के बाद फिर अगेन दोबारा से मेकअप और कुछ शूट। तो गर्मी कितनी हो रही है वो तो बताओ। गर्मी दबा के हो रही है इसलिए मुझे दोबारा से मेकअप करवाना पड़ रहा है क्योंकि सब बह चुका है। पूरा दिन शूट करते 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 थक गए। आई एम वेरी टायर्ड ब्रो, आज शूट करते करते थक गए यार बहुत ज़्यादा। अच्छा, सन बर्न हो गया। बट एनर्जी ऐसे भी कहीं डाउन नहीं लगती तुम्हारी? एनर्जी कहाँ डाउन होती है यार, अभी कूट कूट के भरा हुआ है एनर्जी, अभी कूट कूट के पायल को देखते ही हमारी एनर्जी आ जाती है।
पायल को देखते हैं एनर्जी मेरी फिर से रिचार्ज हो जाती है। ये बोलने की कोई बात है? ये बताओ ये बोलने की बात है क्या? समझने वाली बात है। लॉक नहीं खोल पा रही है बेचारी। देखो मैंने क्या कहा था। लॉक नहीं खोल पा रही है। और बताओ फर्स्ट एंड लास्ट क्या? बताओ। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं शूट पे और कॉस्ट्यूम मैंने पहन लिया है। देखो ये जैकेट, ये टी शर्ट सब कुछ पहन लिया। अभी बस मेकअप होना बाकी है, थोड़ा बहुत हो गया है, अभी थोड़ा बहुत और होना बाकी है। तो उसके बाद देखते हैं, चलते हैं, क्या क्या शूट होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। आज आउटडोर शूट है, बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, तो धूल मिट्टी भी बहुत है। कंस्ट्रक्शन साइट पे हम शूट कर रहे हैं जहाँ पे धूल मिट्टी यू नो ना। हाँ सर बोलती है क्या ले ले। ओके और हमारे साथ है पायल। पायल छुप रही थी। जुल्फे हटाओ अपनी और शक्ल दिखाओ। यार इतना क्या कर रहा है? नहीं वाइट पे कर रखा है। वाइट पे क्लोज नहीं है। जैसे वहाँ पे क्लोज देते हैं। मैंने इतना खाना खिलाया उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? खाना मतलब बिस्किट खिलाया। कौन सी बिस्किट? हमने नहीं खाया। हमने नहीं कहीं भी कुछ भी बोल देती है यार। देखो कैमरा चालू हुआ नहीं। देखो झूठा, देखो झूठा क्या है इसमें? गवाह सामने बैठा है, झूठा इंसान है ये। गवाह सामने मैंने खाया होता तो देखो मैं मुंह पे लगा होता। हाँ इन्होंने क्या? और एक और बात बताओ, इन्होंने ये लाइन कही नहीं कि जहर कभी खा लेता, ये भी नहीं कहा था इन्होंने। क्या बोला? बता क्या बोला था? बता तू क्या बोला था कि मेरे हाथ से जहर भी खा लेगा ना? हाँ ये बोला ही तो नहीं था उन्होंने। ऐसा कुछ बोला ही नहीं था मैंने। ये तो मैं इसके हाथ से जहर भी खा लूंगा, ऐसा कुछ बोला ही नहीं था मैंने। हाथ से क्या खिलाया था? क्या यार बिस्किट? किसने खिलाया था बिस्किट? किसने खिलाया हाथ से बिस्किट? मैंने तुम्हें बिस्किट खिलाया ना? मेरे को हाथ में बिस्किट पकड़ा के बोला कि ये जहर समझ के मुझे खिला दो। अरे ये सरासर बातें बनाई जा रही हैं। कोई बताए इसके अंदर कृष्ण की आत्मा रखी है? अभी ये कोई राघव वाघव नहीं है। ये सोच रहा पायल मुझे कुछ भी खिला देगी तो मैं खा लूंगा। आशिक है भाई। नहीं ऐसी बात तो खा लोगे। लड़कियों की बातों का भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना? एक तरफ सांप दिखे, एक तरफ लड़की दिखे, सांप की तरफ चले जाना, वहाँ बच सकते हो। लड़के बोलते हैं कि लड़कियाँ नागिन होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, लड़के ही होते हैं नाग। नहीं लड़के बड़े प्यारे अच्छे होते। चल चल झूठे बहुत अच्छे होते लड़के। मतलब मैं लड़कों का मसीहा बन के आता। लगा लगा के पास हो गए 12वीं। यार ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा ब्लॉग तू ना हो यार, मेरा दिल कैसे मानेगा? इतना क्या तेरे को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इतनी क्या तेरी में सच्ची सहेली बन गई जो तुम ऐसे बोल रहे कि तुम मेरा ब्लॉगर तू नहीं? ये सारे क्लिप जो है वो काट दूंगा ना मैं। ये तो बस मैं खुश करने के लिए ले रहा हूँ। किसको? अपने आप को? नहीं तुम्हें। मैं तो नहीं खुश हो रही। तो फिर क्यों हंस रही हो? हंस नहीं रही हूँ। रो रही है ये? हंस नहीं रही है, रो रही है। जब मैं वो लेता हूँ ना कभी कभी जब ग्लिस लेता हूँ ना तो मेरे नाक से आंसू आते हैं। पहले तो आंख से आते नहीं यार, बिंदी के भी है। तुम दोनों के आते होंगे, मेरे नहीं आते। मेरे ऐसे आ जाते हैं, नेचुरली आ जाते हैं। क्योंकि इससे जितने भी मोस्टली जो शो करे उन्हें किसको याद करके रोता है? दिल में गम बहुत है, बस बता नहीं सकते। शायरी है, शायरी है। लोग रोने लग जाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। इतना गम, शायरी है, शायरी वो वाला गम, 5 रुपए वाला स्टेशनरी की दुकान पे जो मिलता है, वो इतना गम है मेरे दिल में कि मैं क्या बताऊं। मैं निकाल के किसी को भी चिपका सकता हूं, इसको भी। नहीं मुझे नहीं चाहिए। नीचे दे नहीं रहा हूँ, चिपका रहा हूँ। मैं हटा दूंगी। हटा देगी? हटा।
तो गाइस ये वाला ब्लॉग करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लव यू ऑल।